नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो तक में। मैं हूँ भावना शर्मा। आज 26 अप्रैल है, इसी के साथ थर्सडे का दिन है। राहु काल का समय 1:43 PM से लेकर 3 PM तक रहेगा। साल के सबसे पवित्र महीनों में वैशाख मास की गिनती की जाती है। पुराणों में इसे कार्तिक माह की तरह ही पुण्य फलदायी माना गया है। इसी कारण इस मास में आने वाली एकादशी भी बहुत ही ज़्यादा महत्व रखती है। वैशाख शुक्ल एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति मोह माया से छूट जाता है, बंधनों से मुक्त हो जाता है, उसके सारे पाप कट जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ये एकादशी भगवान श्री कृष्ण को परम प्रिय है। जो व्यक्ति मोहिनी एकादशी का व्रत करता है, इस संसार में उसका आकर्षण, उसका अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली हो जाता है और वो हर व्यक्ति को, हर किसी को अपने मोहपाश में बांध सकता है और मृत्यु के बाद वो मोह माया के बंधनों से मुक्त होकर श्री हरि के चरणों में पहुँच जाता है। भगवद गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में भगवान कृष्ण ने ऐसा कहा है कि सर्वधर्मन परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा सुच। भगवान कृष्ण ने ऐसा कहा है कि जो इंसान भी मेरी पूजा करता है, मुझे ध्याता है, मैं उसके सभी तरह के जो विकार होते हैं, सभी तरह की जो परेशानियाँ होती हैं, उन्हें मैं हर लेता हूँ। यानी कि एकादशी का दिन जो माना जाता है वो भगवान विष्णु को समर्पित है, यानी कि भगवान कृष्ण को समर्पित है, और भगवान कृष्ण की आराधना करने से आपकी सभी तरह की कष्ट, सभी तरह की बाधाएं, उनसे आपको मुक्ति मिलती है। आज बताऊंगी आपको क्या खास उपाय आप लोग कर सकते हैं, हर राशि के हिसाब से कैसा रहेगा आपके लिए आज का दिन। लेकिन अगर बात कर लें टाइमिंग की, तो 10:46 AM से लेकर 9:19 AM तक का समय बहुत ही शुभ समय है पूजा के लिए, यानी कि एकादशी की पूजा के लिए, और 9:20 तक का समय जो एकादशी तिथि है वो रहेगी आज के दिन में। पारण के समय की बात करूँ तो 5:48 AM से लेकर नेक्स्ट डे यानी कि 27 अप्रैल को 8:07 तक का सुबह का जो समय है ये पारण का रहेगा। यानी कि जो लोग व्रत रख रहे हैं आज के दिन में, उन लोगों के लिए ज़रूरी है कि कल सुबह इस समय के बीच में वो लोग अपना व्रत खोल सकते हैं। चलिए अब शुरुआत करेंगे राशियों के बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि वालों की। एरीज के लिए फर्स्ट कार निकलता है पेज ऑफ पेंटाकल्स और दूसरा कार निकलता है जस्टिस। यानी कि आज के दिन में धन की कमी महसूस हो सकती है, आपके व्यय जो हैं, आपके एक्सपेंसेस जो हैं वो बढ़ सकते हैं। आपको सावधान रहना होगा किसी भी तरह के लेन देन में। कुछ मामले में आप जिद्दी भी हो सकते हैं, यानी कि आज मूड स्विंग्स तो लगे रहेंगे, उसी के साथ साथ आप एक चीज़ पर अटक करके स्टक होकर रह जाएंगे, जिसकी वजह से आपके काम करने के तरीके पर प्रभाव पड़ेगा, साथ ही में आपके आसपास के लोगों पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। किसी भी तरह का नया निवेश करने के लिहाज से दिन अच्छा नहीं है, तो आज को थोड़ी सी सावधानी बरतिए, इससे आपको नुकसान भी हो सकता है। आज के दिन में छोटा सा उपाय कर लीजिए, एकादशी का दिन है, भगवान विष्णु का दिन है, भगवान विष्णु का दक्षिणावृति शंख में जल भरकर अभिषेक करना है। ऐसा करने से आपकी जो आर्थिक समस्याएं हैं वो खत्म होंगी। बात करते हैं टॉरेंस की। टॉरेंस के लिए फर्स्ट कार्ड निकल रहा है द डेविल एंड द सेकंड कार्ड इज 6 ऑफ पेंटाकल्स। तो वृषभ राशि वालों के लिए बिजनेस में किसी न किसी तरह का फायदा आपको आज के दिन में मिल सकता है। कार्य क्षेत्र में आपका प्रदर्शन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा, कामकाज में एक्टिव रहेंगे बहुत ज़्यादा, और नए लोगों से, दोस्तों से आपकी मुलाकात बढ़ेगी, जिससे कि आपका सोशल सर्कल आपका बढ़ेगा, प्रोफेशनल रिलेशन मजबूत होंगे आज के दिन में, पुरानी टेंशन भी खत्म हो सकती हैं, और दोस्तों से आज सपोर्ट मिल रहा है आपको, तो जितनी एक्सपेक्टेशंस आप लोग कर रहे हैं वो एक्सपेक्टेशंस आपकी पूरी भी होंगी। उपाय क्या करना है, किसी भी मंदिर की दीवार पर आपको चंदन से स्वास्तिक बनाना है। ऐसा करने से आपके घर में चल रहा अप्स एंड डाउन्स, खासतौर पे आपकी फाइनेंसेस से जुड़ा हुआ, ये खत्म होगा। बात करते हैं मिथुन राशि वालों की। जेमिनाइज की 2 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटाकल्स कार्ड निकला है। करियर के मामले में आपके लिए दिन काफ़ी अच्छा रहेगा, आप नए इनोवेटिव प्लानिंग्स कर सकते हैं, कोई अच्छी खबर भी आपको मिल सकती है। बेरोजगार लोगों के लिए दिन काफ़ी अच्छा है, क्योंकि आज जो लोग जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इंटरव्यूज दे रहे हैं, उनको कोई ना कोई अच्छी खबर मिलेगी। किसी खास व्यक्ति से भी आज मुलाकात होगी जो कि आपके बिजनेस के लिए फ़ायदेमंद रहेगी। आज काम ज़्यादा रहेगा, यानी कि टाइम मैनेजमेंट करना ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन थोड़ा सा धैर्य भी रखें, संयमता के साथ किसी भी काम को पूरा करें। किए गए कामों में अच्छे नतीजे आपको मिल सकते हैं और दुश्मनों पर जीत भी मिल सकती है। आज जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनका आपका जो प्रभाव है उनके ऊपर बहुत ज़्यादा रहेगा। दोस्तों और परिवार वालों से भी आज के दिन में सपोर्ट आपको मिलेगा। उपाय क्या करेंगे, ओम श्रीम श्रिय नमः इस मंत्र का जाप आपको 108 बार करना है। कोशिश करें तुलसी की माला से जाप करेंगे तो बहुत ही शुभ रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, कर्क राशि।
कर्क राशि वालों के लिए फर्स्ट कार्ड निकल रहा है फाइव ऑफ सॉर्ड्स एंड द सेकंड कार्ड इज एस ऑफ वॉन्ड्स। आज का दिन पुरानी चुनौतियों से निपटने के लिए आपको कई बात समझ में आ सकती है, यानी कि आप काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग्स करेंगे, उसमें आगे इम्प्लीमेंटेशंस भी करेंगे। आपको ऐसी नई बात सीख सकते हैं जो आने वाले दिनों में आपको बड़ा फ़ायदा देगी। कहीं ना कहीं पे आप अपनी मानसिक अस्थिरता दूर करने की कोशिश करेंगे और उसके लिए बहुत परिश्रम भी करेंगे और बहुत हद तक कहीं उसमें सफल भी हो जाएंगे, यानी कि आज मेडिटेशन करना काफ़ी अच्छा रहेगा। उपाय क्या करना है, लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर में जाकर के आपको इत्र का दान देना है। ऐसा करने से आपको जो मानसिक स्टेबिलिटी है वो आपकी मजबूत होगी और रिश्तों में भी आपके लिए मिठास बढ़ेगी। सिंह राशि लियोस के लिए क्या कहते हैं कार्ड्स जान लेते हैं। फर्स्ट कार्ड इज एट ऑफ पेंटाकल्स, दूसरा कार्ड निकलता है नाइन ऑफ पेंटाकल्स। अपने काम समय पर करने की कोशिश करें, नहीं तो चीज़ों में डिले हो सकता है। किसी भी परेशानी से निपटने के लिए दिन आपके लिए काफ़ी अच्छा है और ख़ास तौर पे कामों को आप याद करेंगे और मानसिक तौर पर भी आज मजबूती महसूस करेंगे। कार्य क्षेत्र में जो अधिकारी हैं, जो आपके सीनियर्स हैं, उनका सहयोग पूरा पूरा मिलेगा। और बिजनेस की अगर बात करें तो बिजनेस आज सामान्य चलेगा, स्टूडेंट्स को सफलता मिलेगी, स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छा दिन है, मार्गदर्शन आपका लोग करेंगे। तो उपाय क्या करेंगे, आज जैसे कि एकादशी का दिन भी है और थर्सडे का दिन भी है, यानी कि भगवान विष्णु का दिन है, पीले कपड़े में पांच पीली कौड़ी और थोड़ी सी केसर एक चांदी के सिक्के के साथ बांधकर अपनी तिजोरी में रख दीजिए। ऐसा करने से आपकी आय में वृद्धि होने लगेगी, साथ ही में बिजनेस में फायदा होगा। चलिए बात करते हैं कन्या राशि वालों की। तो वर्गोस के लिए फर्स्ट कार्ड निकलता है द वर्ल्ड एंड द सेकंड कार्ड इज पेज ऑफ सॉर्ड्स। खुद पर ध्यान देंगे आज, अपनी ज़रूरतों की चीज़ों पर पैसा खर्च भी करेंगे आज के दिन में, कामकाज में एक्टिव रहेंगे और समाज और परिवार दोनों ही क्षेत्रों में आपके काम जो है पूरे होंगे, जो डिलेज थे अभी तक वो खत्म हो जाएंगे। अचानक ट्रैवलिंग के प्लान्स बन सकते हैं और दोस्तों से आज सहयोग मिल सकता है आप लोगों को। उपाय क्या करना है, शाम के समय घर के ईशान कोण यानी कि घर के उत्तर पूर्व की दिशा में आप लोगों को जहाँ पर आपका पूजा स्थान हो उसमें गाय की घी का दीपक जलाना है। ऐसे करने से आपकी आर्थिक समस्याएं दूर होंगी और कर्जा अगर आपके ऊपर चढ़ा हुआ है तो उससे भी आपको मुक्ति मिलेगी जल्दी। चलिए जान लेते हैं लिब्रंस के बारे में कैसा है आज का दिन। फर्स्ट कार्ड इज टू ऑफ वॉन्स, दूसरा कार्ड निकलता है पेज ऑफ वॉन्स। आज हंसी मजाक में दिन बीतेगा, नए लोगों से दोस्ती होगी और प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स आज आपके मजबूत होंगे और खासतौर पर जिन लोगों के साथ आपने पार्टनरशिप में काम किया हुआ है उन लोगों के साथ कोई नई डील्स आप फाइनलाइज कर सकते हैं। आज आप किसी तरह का नशा छोड़ने का मन भी बना सकते हैं, भागीदारी में आपके लिए किए गए फैसले फायदेमंद साबित होंगे। उपाय क्या करना है, आज के दिन में खाने की चीज़ों का आपको किसी भी नीडी पर्सन को या फिर गरीब को दान देना है। चलिए बात करते हैं स्कॉर्पियंस की। स्कॉर्पियंस के लिए फर्स्ट कार्ड निकल रहा है टेन ऑफ कप्स एंड द सेकंड कार्ड इज व्हील ऑफ फॉर्च्यून। आज परिवार या रिश्तेदारों की वजह से आपका मूड थोड़ा सा खराब रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं पे आज कोई लोग ऐसे हैं जो आपको ऐसी बातें कह रहे हैं, कुछ कमेंट्स ऐसे कर रहे हैं जिसकी वजह से आपके मूड स्विंग्स लगे रहेंगे। कुछ लोग आपकी शिकायतें भी कर सकते हैं, ऐसे लोगों से बच करके चलें, यानी कि आज किसी के साथ वाद विवाद में आपको नहीं पड़ना है। बिजनेस में किसी न किसी तरह का फ़ायदा आपको मिलेगा, यानी कि आज नई डील्स फाइनलाइज करना बहुत ही बेहतर रहेगा। इसी के साथ प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ लेन देन करना भी फायदेमंद रहेगा। कार्य क्षेत्र में आपका प्रदर्शन आज अच्छा रहेगा, इसी के साथ आपकी कैपेबिलिटीज़ में सुधार होगा। उपाय क्या करें, आज श्री यंत्र का गाय के दूध से अभिषेक करना है, साथ ही में अभिषेक किए हुए जल का पूरे घर में आपको छिड़काव करना है। इसके बाद श्री यंत्र को कमल गट्टे के साथ, कमल गट्टे की माला के साथ या कमल गट्टे के साथ अपनी तिजोरी में रख देना है। जल्द ही आपके घर में आप देखेंगे सुख समृद्धि होगी और धन आने लगेगा। चलिए बात करते हैं सैजिटेरियंस की। फर्स्ट कार्ड निकल रहा है सैजिटेरियंस के लिए किंग ऑफ पेंटाकल्स और दूसरा कार्ड निकलता है सेवन ऑफ सॉर्ड्स। आज आप दिमाग से और मीठा बोलकर लोगों को प्रभाव करेंगे, अपने काफी सारे काम बनवा लेंगे। इसी के साथ दुश्मनों पर जीत मिल सकती है, आपके जो राइवल्स हैं, जो कॉम्पिटिटर्स हैं, उनसे आप आगे निकल जाएंगे। करियर के मामले में बिल्कुल सही समय पर जगह मौजूद रहेंगे, यानी कि आज के दिन में डिसीजन मेकिंग आप बहुत ही अच्छे से करेंगे, किसी खास काम में पूरी ताकत से जुट जाएंगे और खुद को साबित करके दिखाएंगे। आज विल पावर बहुत ही अच्छी दिखाई दे रही है। इसी के साथ साथ दोस्तों और परिवार वालों से भी सहयोग मिलेगा आपको, कोई अच्छी खबर आज के दिन में मिल सकती है, कोई गुड न्यूज मिलेगी शाम के समय। उपाय क्या करेंगे, लक्ष्मी चालीसा का पाठ करेंगे आज के दिन में, आपको मानसिक शांति के साथ साथ आर्थिक मजबूती भी रहेगी। चलिए अब बात करते हैं मकर राशि वालों की।
कैप्रिकॉन्स के लिए फर्स्ट कार्ड जो निकल रहा है वो है नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड द सेकंड कार्ड इज सिक्स ऑफ सॉर्ड्स. आज काम ज्यादा रहेगा तो अपने टाइम मैनेजमेंट दिन की शुरुआत में ही कर लीजिए, लेकिन थोड़ा सा संयम के साथ ही आप किसी डिसीजन को लीजिए. स्टूडेंट्स के लिए दिन काफी अनुकूल है, कहीं ना कहीं पे आपके मूड स्विंग्स लगे रह सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपका कंसंट्रेशन, आपका फोकस बहुत अच्छा रहेगा. किए गए कामों में अच्छे नतीजे, अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं. इसी के साथ अपनी प्राथमिकताएं, अपनी जो प्रायोरिटीज हैं उन्हें तय कर लीजिए, क्योंकि आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके करियर के लिए. आज के दिन में किसी से भी विवाद के बाद विचार करेंगे तो आपको मूल जो मामला है वो समझ में आएगा. कहीं ना कहीं पे चीज़ों की जो बेस है उसे समझने का प्रयास कीजिए, बजाय कि आप ऊपरी वाद विवाद में ही उलझे रहेंगे. आज के दिन में उपाय ये रहेगा कि चीनी का दान देना बहुत ही शुभ है आप लोगों के लिए. चलिए बात करते हैं कुंभ राशि वालों की. तो एक्वेरियंस के लिए फर्स्ट कार्ड निकलता है द मैजिशियन एंड द सेकंड कार्ड इज एस ऑफ वांड्स. कामकाज संबंधित अच्छे और व्यवहारिक तरीके और विचार आपके दिमाग में आ सकते हैं. अपनी व्यवहार कुशलता जो है और साथ ही में सहन शक्ति से काम लेंगे, जिसकी वजह से लोग आपसे काम करने के तरीके से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होंगे. ज़्यादातर चीज़ें खुद सुलझ जाएंगी और पैसों को लेकर पार्टनर से अनबन आज के दिन में हो सकती है. तो कोशिश करें कि आज कोई भी डील्स फाइनलाइज करते वक्त, पैसे से जुड़ा हुआ लेन देन करते वक्त थोड़ा साफ रही और वाद विवाद में नहीं पड़िए. उपाय करना है आज माँ लक्ष्मी को लौंग अर्पित करनी है. ऐसा करने से आपकी जो मानसिक अस्थिरता है वो दूर होगी, साथ ही में किसी के साथ वाद विवाद होने जा रहा है वो भी खत्म होगा. चलिए बात कर लेते हैं मीन राशि वालों की. पाइसेंस के लिए फर्स्ट कार्ड निकलता है द जजमेंट एंड द सेकंड कार्ड इज टू ऑफ सॉर्ड्स. आपकी आर्थिक स्थिति में कुछ बड़े बदलाव होने की संभावना दिखाई दे रही है. इसी के साथ इन पर आपकी निगाह रहेगी और साथ ही में आप बिजनेस या कार्य क्षेत्र संबंधित यात्रा आज के दिन में करेंगे, जो कि फायदेमंद रहेगी. काम भी बहुत रहेगा. कुल मिलाकर के आज दिन भर में काफ़ी व्यस्तता रहेगी. दूर के स्थान के लोगों से आपके अच्छे संबंध हो सकते हैं या फिर उनकी तरफ से कोई फायदा हो सकता है. लोग आपकी मेहनत से कुछ सीखेंगे, यानी कि आज के दिन में आपको आइडल बना करके चलेंगे. आज उपाय करना है आप लोगों को लाल रंग का इस्तेमाल जितना करेंगे आपके काम भी बनेंगे, साथ ही में आपके दिन में लक फैक्टर आपको साथ देगा. तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात और कल भी लेकर आऊंगी ऐसे ही आपके दिन का हाल. लेकिन तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप लोग जुड़े रहिए एस्ट्रो तक के साथ. आप लोगों ने अगर अभी तक एस्ट्रो तक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल भी आप देर ना करें.